के दौरान बाजारों में तिल की आवक बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है। इसीलिए त्योहारों के दौरान भारी मांग के कारण भी तिल की कीमतें नियंत्रण में बनी रहती हैं। लेकिन इस साल की तस्वीर कुछ और ही है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन और बेमौसम बारिश ने तिल के उत्पादन को भी प्रभावित किया है। जलवायु परिवर्तन से तिल की पैदावार में 25% की कमी आने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसीलिए त्योहार के दौरान बढ़ती मांग और घटते उत्पादन के कारण कीमतों में बढ़ोतरी जारी रहेगी। पिछले 4 महीने में तिल के दाम 40 रुपए से बढ़कर 50 रुपए हो चुके हैं। अब ये देखना होगा कि क्या दरों में ऐसे ही बढ़ोतरी जारी रहेगी। दरअसल उत्पादन और गुणवत्ता में आई भारी गिरावट के चलते इस साल फसल को प्रभावित किया है। इसी तरह तिल की पैदावार में कुछ हद तक गिरावट देखने को मिली है, साथ ही किसानों की आय भी अच्छी नहीं है। हालांकि बारिश के कारण हल्के और निमन क्वालिटी वाले तिल का उत्पादन बढ़ा है। वैसे हर साल अन्य फसलों की उत्पादकता तिल की तुलना में अधिक होती है। मूल रूप से तिल का रकबा कम था, लेकिन इस साल बेमौसम बारिश और जलवायु परिवर्तन के कारण इसमें और कमी दर्ज की गई है। बदलती कृषि प्रणाली के कारण कृषि आय दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इस साल प्रकृति की मार ने सभी फसलों को चपेट में ले लिया है। पिछले साल देश में तिल का उत्पादन 4,39,075 मैट्रिक टन हुआ था। इसके अलावा इस साल की फसल पिछले साल की तुलना में अधिक है, लेकिन केवल अनिश्चित वर्षा और बदली हुई जलवायु के कारण उत्पादन में लगभग 8 लाख मीट्रिक टन तक की गिरावट का अनुमान लगाया गया है। इसका असर अब साल भर रहेगा, तो वहीं तिल उत्पादक किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ है। इस साल बेमौसम बारिश के कारण न केवल तिल के उत्पादन में गिरावट देखी जा रही है, बल्कि उसकी क्वालिटी में भी गिरावट आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।